देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में सत्ता से बेदखल हुए हैं, तब से मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से दिवालिए हो चुके हैं और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभी उनके नेता प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में कह रहे हैं कि उनके नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और हम लोग किसी को क्यों रोकेंगे। यह देश सबका है, कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, अपनी बात को कह सकता है, रैली कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। लेकिन हाँ, इसकी आड़ में कोई चाहेगा कि सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब हो जाए, बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, तो बिहार की जनता सचेत है, हम लोग भी सचेत हैं। हम लोग ऐसी गतिविधियों को नहीं होने देंगे। इन लोगों का एजेंडा है भीड़ जुटाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, जैसे पूरे देश में ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अगर ये लोग बिहार में करना चाहेंगे, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये लोग बिहार में घूमना चाहते हैं, घूमे। क्या हुआ था 2015 के विधानसभा के चुनाव में? नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी, बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 42 आम सभाएं की नरेंद्र मोदी जी ने, कितनी सीटें आई? महज 53 सीटें जीते थे। तो इस बार भी जितनी जोर आजमाइश करना है कर लीजिए, बिहार में जितना घूमना है घूम लीजिए। एक बात को याद रखिए, यह नीतीश कुमार जी का बिहार है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ अपना काम करते हैं। आपके माहौल खराब करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फिर से एक बार हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार आना है तो आए, लेकिन माहौल खराब करने की साजिश ना करें।